राइस मिल बिजनेस कैसे शुरू करें। राइस मिल के जरिए कम समय में बने लखपति, जाने इस बिजनेस को शुरू करने का सही तरीका। भारत में चावल खाने के शौकीन लोगों की कमी नहीं है। देश के ज्यादातर घरों में चावल को मुख्य आहार के रूप में शामिल किया गया है। यही वजह है कि चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धान से चावल बनाने का काम राइस मिल में किया जाता है। बता दें कि राइस मिल से चावल के अलावा इसका चोकर और भूसा भी किसानों को आसानी से बेचा जा सकता है। ऐसे में यदि आप राइस मिल का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं राइस मिल बिजनेस की क्या है सही प्रक्रिया। क्या होती है राइस मिल? बिजनेस की शुरुआत से पहले आप अच्छे से जान लें कि चावल मिल में किस तरह का काम किया जाता है, ताकि आपको आगे चलकर इस बिजनेस में कोई परेशानी ना आए। बता दें, चावल मिल में मशीनों के जरिए काम किया जाता है, जिसके चलते आपको मशीनों का ज्ञान होना जरूरी है। यदि आपको मशीनों का ज्ञान नहीं है तो आप मशीन को चलाने के लिए दूसरे व्यक्ति रख सकते हैं, जिन्हें मशीन के बारे में सारी जानकारी हो। इन मशीनों द्वारा धान को चावल का रूप दिया जाता है, जो खाने योग्य होता है। मशीनों के द्वारा धान का छिलका और चोकर को अलग करके चमकदार चावल तैयार किया जाता है। जिस जगह ये काम व्यवसायिक तौर पर किया जाता है, उसे राइस मिल कहा जाता है। भारत में चावल का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, ऐसे में आप इस बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चावल के प्रकार। चावल कई प्रकार के होते हैं और मार्केट में हर तरह के चावल की डिमांड रहती है। इसलिए जब भी आप राइस मिल बिजनेस की शुरुआत करें तो आपकी मिल में हर क्वालिटी के चावल उपलब्ध होने चाहिए, ताकि आप मार्केट की हर डिमांड पूरी कर सकें। इसके लिए आपको हर प्रकार के चावल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये है चावल के प्रकार: बासमती, कोलम, अम्बे मोहर, जिरगा, घनसाल, रत्नगिरी, जाया, इंद्रायणी। बिजनेस के लिए सही जगह का चुनाव। इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको ऐसी जगह का चुनाव करना होगा जहां चावल का उत्पादन करीब में ही होता हो। इतना ही नहीं, बल्कि किसान को भी आपकी मिल तक पहुंचने में ज्यादा परेशानियां ना आए। ऐसे में आपका समय बचेगा और अधिक से अधिक काम होगा। साथ ही कच्चे माल के लिए आपको ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। इस बिजनेस में मशीन का काम ज्यादा होगा, ऐसे में आपको 500-600 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको ध्यान देना होगा कि ये जगह शहर से थोड़ी दूर होनी चाहिए, ताकि आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही आपको इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि आपकी मिल में काम करने वाले कर्मचारी पर्याप्त जगह में काम कर पाएं और उन्हें हवा पानी से जुड़ी कोई भी दिक्कत ना हो। मिल के लिए आवश्यक मशीन। चावल को मिल में साफ करने के लिए आपको कई तरह की प्रक्रिया करनी होगी, जिसके चलते आपको अलग अलग तरह की मशीनों की जरूरत होगी। इन मशीनों के जरिए अपने कच्चे माल को आप नया रूप दे सकते हैं। आइए जानते हैं इन मुख्य मशीनों के नाम: राइस व्हाइटनर मशीन, राइस क्लीनिंग मशीन, राइस डे स्टोनर मशीन, राइस कलर सॉर्टर मशीन, पीडी सेपरेटर मशीन, राइस मिलिंग डिटेक्शन मशीन, ग्रेडिंग मशीन, ग्रेन ड्रायर, राइस पॉलिशिंग मशीन, मेजर एंड पैकिंग मशीन। बिजनेस के लिए कच्चा माल कहां से खरीदें? यदि आप खुद चावल का उत्पादन करते हैं तो आपको इसके लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपके पास खुद का खेत नहीं है तो आपको कच्चे माल के लिए किसानों से संपर्क करना होगा। किसानों से आपको साल भर का कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट का सही रेट पता करना होगा, ताकि आप कच्चे माल को सही मूल्य में खरीद पाएं। दरअसल सीजन में कच्चे माल का भाव अधिक होता है, ऐसे में आपको मार्केट के बदले भाव को भी ध्यान में रखना होगा और सही कीमत में कच्चे माल को खरीदना होगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। कितना करना होगा निवेश? यदि आप छोटे स्तर पर इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 5 लाख तक का निवेश करना होगा, वो भी तब जब आप अपनी मशीनों को सेकेंड हैंड लें या फिर सस्ती वाली लें। अगर आप इतना भी पैसा नहीं लगा सकते हैं तो सरकार की मदद ले सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आप 90% तक का ऋण ले सकते हैं। दरअसल ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें मशीनों का अधिक इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि राइस मिल की शुरुआत करने के लिए आपको ज्यादा पैसों का निवेश करना होगा। इसके अलावा मिल और मशीनों के मेंटेनेंस का खर्चा भी अलग लगता है, साथ ही बिजली बिल और कर्मचारियों का खर्चा भी शामिल होता है। यदि आप बड़े स्तर पर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लगभग 20 से 30 लाख तक का खर्च आ सकता है। हालांकि जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा आप मुनाफा कमा पाएंगे। राइस मिल का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। किसी भी तरह के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ सरकारी काम करवाने होते हैं, ठीक उसी तरह राइस मिल का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, साथ ही GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा।
यदि आप भारत के अलावा अन्य देशों में भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इम्पोर्ट कोड और एक्सपोर्ट कोड भी लेना होगा। इसके बाद ही आप भारत के बाहर माल का निर्यात कर सकते हैं। राइस मिल से प्रदूषण का खतरा भी रहता है, तो ऐसे में आपको इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC भी लेना होगा। कैसे करनी होगी राइस मिल की मार्केटिंग? मिल की मार्केटिंग करने के लिए आप होर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने शहर और आसपास के शहर में मिल के नाम के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाएं। इसके अलावा आप पैम्फलेट छपवा कर भी अपनी मिल का विज्ञापन करवा सकते हैं। विज्ञापन के लिए TV और FM रेडियो की भी मदद ले सकते हैं। बता दें कि मार्केटिंग के लिए आपको अपनी मिल में हर प्रकार के चावल रखने होंगे। जब ग्राहक को एक जगह से सारी क्वालिटी की चीजें मिल जाती हैं, तो वो अलग अलग जगह जाने के बजाय सिर्फ एक ही जगह जाना पसंद करता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी मिल में हर क्वालिटी के चावल तैयार किए जाएं। साथ ही ग्राहक की हर डिमांड को पूरा किया जाए, क्योंकि ग्राहक की वजह से ही आपके बिजनेस की सही मार्केटिंग होती है। कितनी होगी कमाई? मार्केट में चावल की मांग हमेशा रहती है। ऐसे में आप इस बिजनेस में अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आप तैयार माल को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी किराना दुकानों पर बेच सकते हैं। इसके अलावा चावल को आप अनाज के रिटेल, बड़े मॉल्स, सुपरमार्केट और होलसेल में व्यापारियों को बेच सकते हैं। आप चाहें तो चावल की सेलिंग होटलों, ढाबों, भोजनालयों और शादी में ऑर्डर के तौर पर भी कर सकते हैं। ऐसे में आप इस बिजनेस में हर महीने लाखों की इनकम कर सकते हैं।